सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस सीजन 12 की ग्रैंड फिनाले के बाद और बिग बॉस के घर से निकलने के बाद श्री संत ने अपने पहले इंटरव्यू में बताया आखिर कैसा रहा उनका बिग बॉस के घर में ये सफर और दिए कुछ सवालों के जवाब। इस दौरान जब श्री संत से पूछा गया कि इस घर में अगर आपको दोबारा से जाने का मौका मिलेगा तो आप जाना पसंद करेंगे, तो इस पर श्री संत ने कहा हाँ जरूर, लेकिन जैसे पहले गया था वैसे नहीं। इस बार विकास गुप्ता द मास्टरमाइंड के साथ मैं पहले स्ट्रेटेजी बनाऊंगा फिर घर के अंदर जाऊंगा, दैट विल बी बेटर। उनसे पूछा गया कि आप जीत के बहुत करीब थे, अब आपको कैसा फील हो रहा है जीत ना हासिल होकर, तो इस पर श्री संत ने कहा मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी कि मैंने इस जर्नी को फिनिश किया, आई एम फीलिंग ग्रेट। हाँ ये क्रिकेट फील्ड के लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी कि मैं अपने परिवार वालों से मिला हूँ इतने दिनों के बाद। उनसे पूछा गया कि आप बिग बॉस सीजन 12 की जर्नी के दौरान सबसे ज्यादा क्या मिस करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मैं घर में सब कुछ मिस करने वाला हूँ। शिवाशीष जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ, वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड करता, मेरे लिए एक छोटे भाई की तरह था। वहीं दूसरी तरफ दीपिका जी वो मेरी बहन की तरह, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा, हमारे बीच की फाइट स्टैचू गेम खेलना, दैट वाज ऑल गुड, आई एम गोना मिस देम। उनसे पूछा गया कि क्या आप यूएस के डिसीजन के साथ खुश हैं, उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि ट्रॉफी जीतना सबसे ज्यादा मायने रखता है। मेरी बेटी ने जब उन्हें बुलाया दीपिका बुआ, मुझे पता चला कि मेरी फैमिली सब उनके बारे में क्या सोचते हैं, एंड आई नो शी इज द विनर एंड शी डिजर्व दैट व्हाट शी गॉट। जब उनसे कहा गया कि क्या आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा क्रिकेट मेरी जिंदगी है और उसी जिंदगी का आप सभी एक पार्ट है, अगर इस जर्नी के दौरान मुझसे कुछ गलत हुआ तो उन सभी के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।